हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया? सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है पढ़ाकों की पढ़ाई। आज का हमारा टॉपिक है रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन रेशनल नंबर, बिटवीन गिवन रेशनल नंबर और टू गिवन रेशनल नंबर। मतलब कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग को यहाँ पे रेशनल नंबर निकालना है। तो आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे कि कैसे दो रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। वैसे तो हम लोग बहुत सारे रेशनल नंबर निकाल सकते हैं, लेकिन पहले सीखेंगे एक रेशनल नंबर निकालना और उसके बाद सीखेंगे एक से ज्यादा रेशनल नंबर निकालना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग को सीखना है यहाँ पे एक रेशनल नंबर निकालना, जिसके लिए हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा सा तरीका, एक छोटा सा फॉर्मूला याद रखेंगे, जो कि है, अगर हम मान लेते हैं कि x और y ये दो रेशनल नंबर है जिसके बीच में हम लोग को एक रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो हम लोग को करना क्या है, सिंपली ये दोनों नंबर को हम ऐड करेंगे और ऐड करके दो से डिवाइड कर देंगे। इस तरीके से हम एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं। चलिए इसको थोड़ा और समझते हैं एक एग्जाम्पल लेकर के। यहाँ पे मेरा एग्जाम्पल है 2/1 और एक एग्जाम्पल है 3/1। ठीक है, ये दोनों रेशनल नंबर है, बिल्कुल पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ये रेशनल नंबर के डेफिनेशन को। नीचे जीरो है नहीं, यहां भी जीरो नहीं है। अब हम लोग को यहां पे फाइंड करना है एक रेशनल नंबर ये दोनों नंबर के बीच में। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इन दोनों नंबर को ऐड करेंगे पहले। तो 2/1 प्लस 3/1 और इन दोनों को डिवाइड कर देंगे 2 से। जब हम दोनों ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा रिजल्ट इसका 5 और आंसर मेरा हो जाएगा 5/2। ये नीचे डिवाइड कर रहे हैं इसलिए 2 नीचे लग गया। तो इस तरह से हम एक रेशनल नंबर निकाल सकते हैं दो गिवन रेशनल नंबर के बीच में। ओके, अब बात करते हैं कि एक से ज्यादा अगर रेशनल नंबर पूछते तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो चलिए अब एक से ज्यादा के लिए हम लोग कुछ सीखते हैं। तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान रखना है कुछ बातों का। 4 more than 1 रेशनल नंबर, ठीक है, 4 more than 1 रेशनल नंबर, एक से ज्यादा रेशनल नंबर दे दे तो हम क्या करेंगे। तो इसमें कुछ कुछ बातें हैं। पहला स्टेप इसमें याद रखना है कि उसको चेंज कर दे, उस नंबर को चेंज कर दे, है ना, लाइक फ्रैक्शन में उसे चेंज कर दे। उसके बाद दूसरा स्टेप है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद जितना नंबर फाइंड करने बोले उससे एक ज्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करें। तो मल्टीप्लाई बाय, सपोज कि मेरे पास n नंबर फाइंड करने बोल रहा है, तो n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे टू लाइक फ्रैक्शन। तो इस तरह से हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब एक एग्जांपल लेकर के इसको समझते हैं। एग्जांपल है हमारे पास 2/3 और 3/2। ये दो एग्जांपल हैं, इन दोनों के बीच में हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड 5 रेशनल नंबर, ठीक है। तो जिस तरह से हम लोग ये दोनों स्टेप को देखेंगे और इस स्टेप वाइज हम लोग काम करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हम लोग को क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन में चेंज करना। पहला स्टेप क्या बोलता है, चेंज इन लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन चेंज करने के लिए हम लोग सिंपली क्या करते हैं, डेनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का हम एलसीएम लेंगे। यहां पे हम रफली एक काम कर लेते हैं, एलसीएम निकालते हैं। 2 और 3 का जब एलसीएम निकालेंगे हम, तो सिंपली कोई फैक्टर तो है नहीं, तो आंसर मेरा 6 आएगा। एलसीएम क्या आएगा मेरा, 6। अब ये एलसीएम से क्या करेंगे, अब एलसीएम 6 है, इसका मतलब कि यहां पे हम ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई करें डिनोमिनेटर में कि आंसर मेरा 6 आए। तो हम देख रहे हैं यहां पे कि 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये नंबर चेंज हो जाएगा 4/6 में चेंज हो जाएगा। अब बात करते हैं इस नंबर का 3/2 का।
तो इसमें हम कितने से मल्टीप्लाई करें ताकि डेनोमिनेटर 6 आए, तो इसमें हम देख रहे हैं कि 2 है यहाँ पे, तो हम क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 3 9 एंड 3 2 6, तो हमारा पहला नंबर 4/6 आया, दूसरा नंबर 9/6 आया। अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को मल्टीप्लाई करना है। मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था कि मल्टीप्लाई करें एन प्लस वन से, तो यहाँ पे हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, तो हम लोग एन प्लस वन मतलब 6 से दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हम इसको करते हैं 4/6 × 6/6, ऊपर नीचे दोनों ही जगह मल्टीप्लाई करना है, तो आ जाएगा मेरा आंसर 24 और ये 36। इसको भी करेंगे तो 9/6 × 6/6, इस तरह से करेंगे 9 6 54 और 6 6 36। सो अब हमारे पास बहुत सारे नंबर आ गए जो इन दोनों के बीच में लाई करते हैं, जैसे कि 25/36, 26/36, 27/36, 28/36, 29/36। हम लोग को 5 ही चाहिए, हम तो और भी लिख सकते हैं लेकिन हम लोग को क्योंकि 5 ही चाहिए तो बस हम 5 ही लिखेंगे सेलेक्ट करके। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चंस को डील कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।